ईशा मैम के ऊपर लग गया है एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम। यहाँ पर रजत की मम्मी जो कि भाग्यश्री हैं, वो एक किसी स्टोर रूम में लॉक हो जाती हैं और उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम होती है, जिससे के कारण वो वहाँ पर बेहोश भी हो जाती हैं। तो ये इल्ज़ाम जो है स्टोर रूम में उनको बंद करने वाला जो इल्ज़ाम है वो लग गया है ईशा मैम के ऊपर, क्योंकि अमन ने लास्ट टाइम ईशा मैम को ही स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए देखा था। तो सीधा सीधा इल्ज़ाम जो अमन ने लगा दिया ईशा मैम के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे सवी तो बिल्कुल भड़केगी ही भड़केगी, क्योंकि उसकी आई के ऊपर बात आई है। तो यहाँ पे सवी जो है वो बोलती है रजत और अमन को कि तुम लोग बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश हो, तुम लोग बेफालतू के इल्ज़ाम लगाते रहते हो यहाँ पर। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों आखिरकार की सच क्या होता है, कि रजत की जो मम्मी है वो किस तरह से स्टोर रूम में फंसी है और यहाँ पर जो इल्ज़ाम है ईशा मैम के ऊपर जो लगा हुआ है उससे वो किस तरह से बरी होती है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि जो रजत और सवी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है वो किस तरह से सॉल्व होगी? आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।